हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हेयर सीरम बनाना। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिनके बाल डैमेज हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। जो लोग क्या कलर कराते हैं वो थोड़ा एकदम उनके रूखे रूखे हो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है हेयर सीरम। तो मैं आपको ये बताती हूँ कैसे बनाना है। उससे पहले प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर लिखिए। मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या सामान यूज़ किया है। ये देखिए, नीम के पत्ते हैं, नीम बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको क्या है, ये इन्फेक्शन को दूर करता है। और ये मैंने लिए हैं गुड़हल के पत्ते और गुड़हल के फूल। गुड़हल के पत्ते और गुड़हल के फूल बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और बालों के कलर को चेंज भी करते हैं। आपके जिनके बाल थोड़े लाइट हो जाते हैं इनको काला भी करते हैं ये। और ये मुलैठी है, मुलैठी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, मुलैठी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और इसमें पोटेशियम होता है और एसेंशियल ऑयल भी होता है, विटामिन इसमें बहुत होते हैं मुलैठी में, और ये आपके बालों को हेल्दी रखता है। और ये अमरूद के पत्ते हैं, देखिए अमरूद के पत्ते लिए मैंने। अमरूद के पत्तों में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और ये बालों को आपको हेल्दी तो रखते ही हैं, साथ में आपके बालों को जैसे आपके बाल जिनको थोड़ा रफ हो जाते हैं उनको सॉफ्ट भी रखता है एकदम, और पूरा पोषण देता है आपके बालों को। तो ये मैंने देखिए आम के पत्ते लिए, आम के पत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं बालों के। आम लोग सोचते हैं आम बस खाने के लिए, खाने से ही फ़ायदा होता है या खाने के लिए जो अच्छे होते हैं बस, वो पत्तों में कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा नहीं होता। आम के पत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं, आम के पत्तों में, आम में तो फाइबर होता ही, आम के पत्तों में भी बहुत फाइबर होता है और विटामिन होता है आम के पत्तों में। और ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है, जैसे नीम होता है वैसे आम के पत्ते भी एंटीबैक्टीरियल होते हैं और उसमें मैग्नीफेरिक होता है। और आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आम के पत्ते लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये खाने, आम खाने के साथ साथ उनके पत्ते भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे अमरूद के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं। तो ये स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये देखिए, मैंने ये चमेली के फूल लिए हैं, ये बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इतनी अच्छी इनकी खुशबू होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी आपको हेयर सीरम कैसे बनाना है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके डैमेज बाल हो जाते हैं, जो लोग कलर कराते हैं, जो लोग क्या होता है प्रेसिंग मशीन से अपने बाल ठीक करा, जैसे प्रेसिंग मशीन ज़्यादा यूज़ करते हैं या ब्लो ड्रायर यूज़ करते हैं, तो उनके क्या एकदम रफ हो जाते हैं बाल, और जैसे स्प्लिटिंग इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है बालों में। और जो लोग क्या होते हैं इनके बाल थोड़े पूरे एकदम ऑयली भी नहीं होते हैं, समझ लीजिए, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। तो मैं उसको कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या लेना है, जैसे 1 लीटर पानी लेना है, ठीक है। 1 लीटर पानी लेने के बाद आपको ये सब चीज़ें, पत्ते देखिए, ये अमरूद के पत्ते हैं और गुड़हल के पत्ते, फूल, और ये नीम के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं, इन सबको, इनको क्या करना है पानी में बॉईल करना है। और मुलैठी है, मुलैठी आपके बालों को बहुत पोषण देती है, मुलैठी में प्रोटीन बहुत होता है और आपके बालों में बहुत शाइन लाती है मुलैठी, और स्किन में भी बहुत लाती है मुलैठी, तो बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपको क्या करना है, मुलैठी को पूरा तोड़ना है, तोड़ने के बाद तभी पानी में डालना है, वरना तो क्या है ये पूरी ऐसी की ऐसी रहेगी, इसका एसेंस बिल्कुल भी नहीं निकलेगा पानी में। तो आपको क्या थोड़ा दरदरा करना है, तोड़ना है, ये थोड़ा अलग अलग हो जाएंगे इसके टुकड़े ऐसे, तो तब आपको पानी में ही डालना है। और पानी में डालने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए ये फूल है चमेली के, इसको क्या करना है, 1 लीटर पानी में ये सब सामान आप जो डालेंगे उसके साथ आपको फूल भी डालने हैं। फूल डालने के बाद आपको उस पानी को बॉईल करना है, और कैसे बॉईल करना है, आपको पानी को ढकना है, आप उसे खुला नहीं छोड़ोगे, वरना तो इसकी जो खुशबू है, जो एसेंस है, वो आप पूरा आपको निकल जाता है बाहर। तो आपको क्या करना है, जब ये पानी 1 लीटर पानी बॉईल करना है और इसमें सब सामान डालना है, तो आपको पानी को पूरा अच्छे से ढकना है, और जब वो आधा लीटर रह जाए और आधा लीटर से भी थोड़ा कम हो जाए, आपको क्या करना है, पानी को ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपको क्या करना है, देख मैं बता देती हूँ। देखिए ये पानी को ठंडा करने के बाद इसमें ये ऐसा हो जाएगा, इसका कलर थोड़ा ऐसा हो जाएगा, देखिए थोड़ा पिंकिश टाइप का, ब्राउन टाइप का है, पिंक नहीं, ब्राउन टाइप का है। देखिए इसमें क्या है, मैंने सब फ्लावर डाले हैं ये, और इसमें मैंने गुलाब के पत्ते भी डाले हैं, गुलाब के पत्ते, और ये इन सबको क्या है, ये देखिए चमेली के फूल, गुलाब के पत्ते, इन सबसे क्या होता है, इतनी अच्छी खुशबू आपके बालों में आती है। और आपको क्या करना है, उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, तो इसमें ये बादाम का तेल है, देखिए ये बादाम का तेल लिया है मैंने, वैद्यनाथ का, ये वैद्यनाथ का तेल है। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ दो ही बूंद डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना है। और ये एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल की आपको 2 चम्मच इसमें डालनी है पानी में, और उसके बाद इसमें आपको 2 से 3 बूंद ये डालना है, ये वाला ऑयल, ये एरोमा ऑयल है, और ये मैंने लिया है लेवेंडर का, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। आपको क्या करना है, चलो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये पानी है, ये सब सामान जो मैंने रखा है, तेल, ये पत्ते,
इसके आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते और गुड़हल के पत्ते, फूल और मुलेठी और नीम के पत्ते, ये सबको आपको पानी में बॉईल करना है। 1 लीटर पानी में बॉईल करने के बाद जब वो आधा लीटर रह जाए तो आपको ठंडा करने के बाद उसमें 1 से 2 ड्रॉप एरोमा ऑयल की डालनी है। ये मेरे पास लेवेंडर का है, लेकिन आपको जो भी अच्छा लगता है, या इसमें आपको जैसे कि चंदन का है, या इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लेवर आते हैं, आपको जो भी लगता है आपको अच्छा लगता है, उसमें 2 से 3 ड्रॉप डालना है। आपको ज़्यादा नहीं डालना है, 1 से 2 ड्रॉप आपको ये बादाम के तेल की डालनी है। और दो चम्मच आपको, जितना मैंने लिया है इसमें आपको सिर्फ आधे चम्मच से भी कम डालना है ये जेल, एलोवेरा जेल, ठीक है। इसमें आपका घर का नहीं डालोगे, क्योंकि घर का डालने से क्या होता है, आप एक दिन के लिए तो बनाओगे नहीं, अगर एक दिन के लिए बनाना है तो आप डाल सकते हो घर में खुद भी निकाल करके, लेकिन आपको क्या है जब ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो थोड़े टाइम के लिए रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी ये चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं। तो आपको क्या है, अगर आधा लीटर रखना है बना करके, तो आपको आधा लीटर तो एकदम यूज़ नहीं होगा, आपको काफ़ी टाइम चल जाएगा वो भी। आपको क्या करना है, इसमें एलोवेरा जेल लेना है और उसको फेंटना है, और ये बिल्कुल पतला ही रहेगा, ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं होगा, क्योंकि 1-2 ड्रॉप ऑयल से या 1-2 ड्रॉप एरोमा ऑयल से या 1/2 स्पून ये एरोमा ये जेल डालने से ये ज़्यादा बिल्कुल चिपचिपा नहीं होगा। आपको क्या करना है, ये सब मिक्स करने के बाद आपको स्प्रे बॉटल में डालना है, स्प्रे बॉटल में, ठीक है। आपको ऐसे बॉल में नहीं रखना है, स्प्रे बॉटल में डालना है। जब आप हेयर वॉश कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है, बालों में स्प्रे करना है सूखने के बाद, ठीक है। सूखने के बाद स्प्रे करोगे तो आप जैसे लिमोन लगाते हो, जैसे आप सिल्क एंड शाइन लगाते हो बालों में, सिल्की करने के लिए लगाते हो, तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके बालों को हार्म करेगी। आप जनरली जो बाजार की चीज़ें यूज़ करते हो सॉफ्ट करने के लिए, कंडीशनर यूज़ करते हो, ये उससे बेटर है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। आपके बालों को ये सिर्फ सब चीज़ें हेल्दी रखेंगी, आपके बालों को वाइट नहीं होने देंगी, आपके बालों को पूरा पूरा पोषण मिलेगा। और आप इसको कैसे कर सकते हो, जैसे आपको कहीं जाना है तो आप इसे कैरी भी कर सकते हो, एक बोतल में डालो, स्प्रे बोतल में, ढक्कन टाइट करो उसका, और आपको जैसे कहीं भी जाना है, आपके बाल लग रहा है कि बिल्कुल रफ हो रहे हैं, आपके बाल डैमेज लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा खराब लग रहे हैं, तो आपको स्प्रे करो और तुरंत आपको एकदम आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये इतना अच्छा आपका हेयर स्प्रे है, समझ लीजिए स्प्रे डाई आपके बालों को, तो आपका कंडीशनर का काम करेगा ये, जैसे लिमोन करता है, जैसे सिल्क एंड शाइन करता है, या आप जनरली जो वॉश करते हो, हेयर वॉश करते हो तो आप कंडीशनर जो भी यूज़ करते हो, ये उस वही काम करता है ये, लेकिन ये क्या है, आफ्टर वॉश करना है आपको। और जैसे आप जितनी बार भी आप कर सकते हो, जैसे कहीं जा रहे हो तब भी आप इसे स्प्रे कर सकते हो, तो ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आपके बालों को बिल्कुल हार्म नहीं करेगा, आपके बालों को पूरा पूरा पोषण देगा, और आपके बालों को बिल्कुल वाइट भी नहीं होने देगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। थैंक यू।